तुलसी का पौधा एक रिलीजियस प्लांट। हेलो एवरीवन, माय सेल्फ ममता महंती, पिनाकल वास्तु, भुवनेश्वर। अपने से ही जाना। आज हम बात करेंगे तुलसी प्लांट के बारे में। हम सबके घर के आंगन में आपको तुलसी का प्लांट मिल जाएगा। हम सब घर में तुलसी के प्लांट लगाते हैं और पूजा भी करते हैं, क्योंकि हमें तुलसी प्लांट घर में लगाने से घर के अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है और पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आ जाती है। इस वजह से हम सब कोई तुलसी के प्लांट को पूजा भी करते हैं। पर क्या आपको मालूम है वास्तु के हिसाब से कौन से ऐसे जोन में हमको तुलसी के प्लांट को प्लेस करना चाहिए और कौन से जोन को हमको अवॉइड करना चाहिए? चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहले नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन यानी कि ईशान कोण। ईशान कोण में हम तुलसी के प्लांट को प्लेस कर सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में हम तुलसी के प्लांट को प्लेस करने से धन की प्राप्ति भी होती है। अगर किसी वजह से आपके घर में नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नॉर्थ के डायरेक्शन में भी यानी कि उत्तर की दिशा में भी तुलसी के प्लांट प्लेस कर सकते हैं। और इसके अलावा आप ईस्ट के डायरेक्शन में भी तुलसी के प्लांट प्लेस कर सकते हैं। हमें जो जोन हमको अवॉइड करना चाहिए वो है साउथ की डायरेक्शन यानी कि दक्षिण की दिशा। दक्षिण की डायरेक्शन को हमको अवॉइड करना चाहिए तुलसी प्लांट प्लेस करने के लिए। और इसके अलावा और एक जो बात है, हम छत के ऊपर तुलसी के प्लांट प्लेस ना करें। इससे घर में ज़्यादा से ज़्यादा नेगेटिविटी घर के अंदर आ जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा हमें मिलती नहीं है। इस वजह से छत के ऊपर भी आप थोड़ा अवॉइड कीजिए तुलसी प्लांट प्लेस करने के लिए। तुलसी प्लांट घर में लगाने से घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा है वो बाहर निकल जाती है और पॉजिटिव ऊर्जा घर के अंदर आ जाती है। इस फील्ड में लूँगी आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जगन्नाथ।